हेलो बच्चों, हाउ आर यू। एक लंबे टाइम के बाद आपके सामने फिर से हाजिर हो गए हैं टूर ऑफ साइंस पे। और आपको अभी लगातार कंटिन्यूअस आपको वीडियोस मिलेंगी। लगातार आपको सिर्फ ये करना है कि कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम रखना है, और कमेंट में जो टॉपिक होगा वही अगले दिन आपको वीडियो मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। हम इसका बेसिक करेंगे। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो हम आज सिर्फ उसका एक बेसिक सा टूल देखेंगे कि कैसे ट्रांसफार्मर काम करता है। देखिए, सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर देखो, नाम से क्लियर है। ट्रांसफार्मर मतलब ये कि एक ऐसा डिवाइस है जो करंट के बारे में, भाई अल्टरनेटिंग करंट है, वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसकी शक्ल सूरत बदल देता है। किस प्रकार से बदलता है देखिए। बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक डिवाइस होता है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज यूज टू चेंज एसी वोल्टेज। एसी के लिए काम आएगा ये वोल्टेज, एसी वोल्टेज को चेंज करता है। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर आपने अपने घरों के आसपास देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा है? तो घरों के आसपास, गांव में, शहरों में आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा कि भाई ट्रांसफार्मर है, जल गया है, ये हो गया, वो हो गया, सुना होगा। तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर है? बेसिकली जो हमारा ट्रांसफार्मर है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टेप अप, और दूसरा ट्रांसफार्मर होता है हमारा स्टेप डाउन। ठीक है, नाम सुने होंगे, स्टेप अप कौन सा होता है, स्टेप डाउन कौन सा होता है। ठीक है, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर के नाम आपने सुने होंगे। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन। अब ये स्टेप अप और डाउन क्या होता है देखिए, हम बात कर रहे हैं वोल्टेज की। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का काम है कि वोल्टेज की वैल्यू को कम और ज्यादा करना। वोल्टेज की वैल्यू को क्या करेगा, कम और ज्यादा। क्या कैसे करता है वो कम ज्यादा? देखो, स्टेप अप कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जो कम वोल्टेज को, कम वोल्टेज हो उसकी वैल्यू को हाई कर देगा, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, हाई वोल्टेज में। ठीक है, कम वोल्टेज को क्या कर देगा, हाई में कन्वर्ट कर देगा, कम वोल्टेज को हाई। नाम से स्टेप अप मतलब कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर देगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि वो हाई वोल्टेज को क्या कर देगा, कम कर देगा, लो वोल्टेज कर देगा। ठीक है, लो कर देगा। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या हुआ भाई हमारे डेली लाइफ में, इन दोनों ट्रांसफार्मर में से कौन सा काम आता है भाई, कैसे यूज कर रहे हैं, कब यूज किया जाता है, किस जगह पे यूज किया जाता है, और क्यों, मेन चीज़ है क्यों। देखो, हम ये देखते हैं कि जब हमारा, आपने ये तो देखा ही होगा कि हमारे घरों के आसपास कुछ इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगे होते हैं, उन पर वायर्स होती हैं, बहुत हैवी हैवी वायर्स आपने देखे होंगे। तो कहते हैं ये हाई वोल्टेज की वायर है, हाई वोल्टेज इसमें से पास हो रहा है, आपने देखा होगा। तो इस प्रकार की हाई वोल्टेज की जो पावर हमारे गांव तक पहुंचती है, शहरों तक पहुंचती है, सिटी तक पहुंचती है, तो सिटी में हाई वोल्टेज इस्तेमाल नहीं होती, वहां तो कम वोल्टेज इस्तेमाल होगी। तो ये हाई वोल्टेज को कम कैसे किया जाए, वो है हमारा ट्रांसफार्मर, या तो हाई को कम करने के लिए या कम को हाई करने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं जैसे हमारे शहरों में, गाँव में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं। हमें ज़रूरत है लो वोल्टेज की, क्योंकि घरों में लो वोल्टेज इस्तेमाल होगी, ज़्यादा हाई नहीं होगी, तो हमें मिलती है हाई वोल्टेज। तो ऐसे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत थी जो हाई वोल्टेज को कम में बदल दे, तो उसका नाम रखा गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। और ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखा, आपने देखा है, ये लगाया जाता है जैसे कि बिजली, घरों में बिजली को अगर उसकी वोल्टेज कम हो जाती है, तो उसकी वोल्टेज को शहरों तक पहुंचाने के लिए उसकी वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, उसके करंट की वैल्यू को और हाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ता है, स्टेप अप।
वहाँ पे, लेकिन हम हमारे लोकेलिटी में देखते हैं तो वो ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे स्टेप डाउन, हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। किस प्रकार से करते हैं, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है वो आप देखें। ये इंडक्शन प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, इंडक्शन प्रिंसिपल। अब ये इंडक्शन प्रिंसिपल कौन सा होता है अभी बताएंगे। देखो, ये समझ में आ गया होगा, है ना, इसके टाइप समझ में आ गए होंगे, कैसे कैसे काम करता है, नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट कर लो। देखो, अब आपने म्यूचुअल इंडक्शन का नाम सुना होगा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या था वो, देखिए, जैसे आपने ये सुना होगा, दो क्वाइल लिया, ऐसे बना देता हूँ, दो क्वाइल लिया, इसमें से करंट जैसे पास हुआ तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, है ना। मतलब क्या हुआ, फैराडे ने क्या बोला था, जब भी किसी करंट कॉइल किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिंक होता है और उसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाती है, उसी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। अगर इसके पास में कोई दूसरी क्वाइल लेकर आते हैं हम लोग, कोई दूसरी क्वाइल ले आते हैं, तो इसकी वजह से इसके अंदर भी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है, ये जनरेट हो जाएगी। और जब ये जनरेट हो जाती है तो ये अगर इस फाई की वैल्यू बार बार बदले, ये अगर बदले बार बार बदले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे हम कहते हैं डी फाई बाई डी टी, अगर ये बदलती है तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इसी पे काम करता है। मतलब कुल मिला के ये है कि भाई अगर किसी क्वाइल के अंदर से हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके इनर साइड में मैग्नेटिक फ्लक्स का एक झुंड तैयार हो जाता है। इसकी वजह से साइड वाला जो क्वाइल आपने लगाया है इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और बार बार आप ये आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जब चेंज होती है किसी भी क्वाइल में तो उसमें से करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ये प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है, उसका नाम रखते हैं हम लोग इंड्यूस ईएमएफ। ये फैराडे ने कहा था, किसने कहा था, फैराडे ने, जब भी किसी क्वाइल से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होती है और बार बार चेंज होती है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, साथ साथ लिख लो, नोट कर लो। तो ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन, है ना, फैराडे के प्रिंसिपल पर काम करता है जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। ठीक है, देखिए अब इसका थोड़ा सा डायग्राम और बता देता हूँ कैसे बनता है। जैसे ट्रांसफार्मर के लिए हम एक आयरन कोर लेते हैं, इसका नाम क्या है, आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है, एक्चुअली क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर। साथ साथ आप इसको लिखते चलेंगे और इजीएस्ट तरीके से लिखते चलेंगे। देखिए, ये क्या है, एक प्रकार का सॉफ्ट आयरन कोर है, है ना, और इसकी प्रॉपर्टी होती है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, कैसी प्रॉपर्टी होती है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्यों बनाया गया, एक्चुअली में ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है और ये एक प्रकार का फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा होता है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, जब भी इसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स आती है तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी, इसलिए इसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बनाया गया। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक क्वाइल लपेट देते हैं, ऐसे करके क्वाइल लपेट दी, और एक क्वाइल इस तरफ भी लपेट देते हैं, ये लो। ठीक है, हम जो ट्रांसफार्मर डिजाइन कर रहे हैं अभी वो स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन। ठीक है, बुक्स में अलग अलग मिलेंगे स्टेप अप और डाउन, आप देख लेना जो भी सही लगे। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये पहली टर्न है, फिर दूसरी टर्न है, ये तीसरी टर्न है, तो इसके अंदर बहुत सारी टर्न्स हो गई, ये क्वाइल्स की जो टर्न है बहुत सारी टर्न्स हो गई। और इस तरफ आप देख रहे हैं टर्न्स कम है। इसको बनाने का एक रीज़न है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी उसकी वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो जब इसके पास पहुँचता है तो इसमें क्वाइल कम है और इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी उससे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और वही हमें चाहिए।
मतलब वहां जो वोल्टेज प्रोड्यूस होएगी वो वोल्टेज क्या होगी, लो लेवल की। किस वजह से? क्वाइल के टर्न्स की वजह से। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो आपका ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टर्न्स के, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ जब ये फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, तो ये किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। इसको आपके अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से एनपी है ना, इस तरीके से अलग अलग नाम से रखी गई है। ये एनपी क्या है, एनपी एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, समझ में आ रहा होगा, इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये पी है प्राइमरी के नाम से, इसका नाम रखा गया प्राइमरी कॉइल, क्या रखा गया, इसलिए इसका नाम रख दिया एनपी और एनपी, बुक्स में देख लेना, ठीक है। इसका नाम रखा गया सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, इसको बोल देंगे एनएस, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेटेड इन प्राइमरी कॉइल एक सिंगल टर्न के अंदर, मान लो ये एक सिंगल टर्न है, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई वो है डी फाई बाई डी टी। नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, वो हो गया एन पी इंटू डी फाई बाई डी टी प्राइमरी कॉइल में। और सेम इसी कॉइल में जो सेकेंड कॉइल है इसमें भी जनरेट हो जाएगा डी फाई बाई डी टी इंटू एन एस। ये क्या समझ में आया, इसको कहते हैं इंड्यूस ई एम एफ, इसका नाम रख दिया इंड्यूस ई एम एफ, है ना, इंड्यूस इसको कह देंगे ई, ऐसा लिख लो ई। ये प्राइमरी कॉइल में जनरेट हुई मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, और इसका लिख दिया ई एस, ये हो गया एन एस डी फाई बाई डी टी। आ गया समझ में, बिल्कुल आसान सा है इसका डेरिवेशन थोड़ा सा। तो इन दोनों को डिवाइड करके देखो एक बार क्या आ जाएगा, ई पी बाई ई एस बराबर ई पी बाई, इसके नीचे ये डिवाइड कर दिया तो ये आ गया एन पी डी फाई बाई डी टी डिवाइड बाई एन एस डी फाई बाई डी टी। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आप देखेंगे जो ईएमएफ है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और ईएस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, वो डिपेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। आया समझ में? तो इस प्रकार से मान लीजिए आपको अभी ये चेक करना है कि भाई हमने जितना इनपुट दिया इनपुट वोल्टेज, वो इनपुट के बाद जो आउटपुट वोल्टेज कम आई के ज़्यादा आई, उसके लिए अलग अलग से एग्जाम्पल, जैसे कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमने कितनी इनपुट दी तो उससे आउटपुट कितनी निकली। तो यहाँ से ई एस की वैल्यू निकालो, ई एस निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ई पी इंटू एन एस डिवाइड बाई, देखो ये इधर चला गया तो एन पी नीचे, एन पी नीचे। तो ये पहले से आपके पास कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि सेकेंडरी कॉइल में मान लीजिए आपने 5 टर्न ले लिए, है ना, मान लिया, और प्राइमरी कॉइल में आपने 20 टर्न ले लिए, है ना। और जो आपने प्राइमरी कॉइल को जो वोल्टेज दी, मान लीजिए 220 वोल्ट दे दिया, तो हम देखना चाह रहे हैं कि जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ। तो ये इन तीनों की वैल्यू इसके अंदर रखो और सोल्व करके देखो, ई पी की वैल्यू 220 वोल्ट है ना, और एन एस की वैल्यू 5, ये 20, ये काटा, ये आ गया 55 वोल्ट। तो देखा हमने इनपुट में 220 वोल्ट दिया, आउटपुट कितना आया 55 वोल्ट, तो लगभग चौथे हिस्से का वोल्टेज आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम सेकेंडरी कॉइल में घटा दें तो वोल्टेज कम आएगी, अगर इसकी टर्न्स इसके कंपैरिजन में बढ़ा दें तो हमारी वोल्टेज ज़्यादा आएगी। तो इस प्रकार से हम इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब मेरे को यह बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, आई होप कि आया होगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए, टॉपिक का नाम जरूर दीजिए, हम एक नया टॉपिक उसी टॉपिक के ऊपर बना के आपको उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, आपको देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी जरूर बजाइए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस बना सकें। टिल दैट टाइम टेक केयर।